क्या है, एटीएम में नौकरी दिलाने के नाम पे पैसे लिए गए 3-3 हजार रुपए पर व्यक्ति से। हम लोग 12 लड़के हैं, 12 लड़कों से हम लोग से 3-3 हजार रुपये अजीत सिंह राजपूत जो मिलोनीगंज में रहते हैं उनके द्वारा हम लोगों से पैसा लिया गया। और अब 3 महीने हो जाने पर अब ना लड़कों को नौकरी दी जा रही है और ना ही डिपॉजिट जो जमा करवाए वो वापस किया जा रहा है। इसलिए हम लोग एसपी साहब को आवेदन करने के लिए, हम लोग को बोला गया कि यूनियन एटीएम का हमको टेंडर मिला है तो उसमें हम लोग को बोले हमें 60-70 लड़के चाहिए हैं, तो आप लोग 3-3 हजार रुपये डिपॉजिट जमा करो, 5.5 हजार रुपये से 6 हजार के बीच में सैलरी रहेगी। तो हम लोग ने सर मतलब 3-3 हजार रुपये जमा कर दिए। मेरा नाम अजय शर्मा है।